नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में हम सारंग अंग के बारे में बात कर रहे थे, और सारंग अंग की जब हम बात करते हैं या सारंग रागांग की बात करते हैं, तो हमने इससे पहले के की श्रृंखला में आपको सारंग अंग का जो मुख्य राग है, यानी जहाँ से वो अंग लिए गए हैं या जहाँ से वो अवयव लिए गए हैं, उस राग के बारे में बताया था, और वह था राग वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग जो राग है, उसके जो मुख्य जो स्वर संगतियाँ उसकी जो हैं, उन स्वर संगतियों को सारंग अंग के रूप में लिया जाता है। और इसीलिए आज के दौर में यदि हम किसी से कहते हैं कि राग सारंग गाओ, या कभी कहीं पर आपने किसी तरह की अनाउंसमेंट सुनी हो प्रोग्राम से पहले, या विद्यार्थी जो हैं वो कहते हैं कि मैं सारंग प्रस्तुत कर रहा हूँ, या कोई भी कलाकार सारंग की बात करता है, तो सीधे सीधे उसका जुड़ाव जो है वो वृंदावनी सारंग से जोड़ दिया जाता है। वृंदावनी सारंग अपने आप में बहुत ही खूबसूरत राग है, बहुत मधुर राग है, और जैसा कि इसके विस्तार से इसकी जानकारी हमने आपको दी, अब सारंग अंग के अन्य रागों की तरफ चलते हैं। इनमें एक राग है राग शुद्ध सारंग, बहुत ही मधुर राग है, और आप देखिए कि इसके जब स्वर संगतियाँ, इसका चलन, इसके विस्तार के बारे में आपको बताएंगे, तो अपने आप ही एक अलग भाव जो है वो आपके मन में जागृत होगा। मैं उसको कहीं गंभीर भाव जो है नहीं कहूँगी, एक हर्ष का सा माहौल, या हम कहें कि एक खुशी का माहौल, एक श्रृंगार, एक मधुरता इसमें हो, उस तरह का भाव जो है वो इस राग से अभिव्यक्त होता है। कुछ राग ऐसे होते हैं जिनको कि सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, उनमें से शुद्ध सारंग एक राग है जिसको गाने के लिए या बजाने के लिए जो है कोई भी कलाकार जो है बहुत हर्षित होकर जो है इस राग को गाता बजाता है, क्योंकि इसके स्वर ही ऐसे हैं, इसकी बनावट ही ऐसी है। राग शुद्ध सारंग के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी, जो शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब हम सारंग अंग की बात करते हैं, सारंग रागांग की बात करते हैं, तो अक्सर लोग शुद्ध सारंग को ही सारंग रागांग मान लेते हैं या सारंग अंग मान लेते हैं। जी नहीं, शुद्ध सारंग को सारंग रागांग नहीं माना जा सकता। वृंदावनी सारंग को ही के ही जो अवयव हैं उनको सारंग अंग के रूप में लिया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे मैं उसका प्रैक्टिकल तौर पे आपको जब बताऊंगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको सारंग से जो है सारंग अंग नहीं माना जाता, बल्कि इसमें सारंग अंग का प्रयोग होता है। बाकी इसकी एक अपनी निजी जो है इसका एक स्वरूप है, जो कि इसको सारंग के अन्य प्रकारों से अलग करता है। राग शुद्ध सारंग के बारे में चार पंक्तियां कही गई हैं। वर्जित कर गांधार को गावत काफी राग, दो गनी संवाद रिप कहत शुद्ध सारंग। वर्जित कर गांधार को गावत काफी अंग, दो गनी संवाद रिप कहत शुद्ध सारंग। तो ये अपने आप में कहता है कि राग जो है वो किस प्रकार का है, गांधार इसमें वर्जित है। ये जो चार पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि यहाँ पर वर्जित कर गांधार को, केवल गांधार ही वर्जित हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इस राग के बारे में जहाँ विशेषता बताऊंगी, उसमें मैं इस बात को और अधिक खोलकर आपके सामने रखूंगी। ये राग जो है वो काफ़ी थाट के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपको अधिकतर सारंग के प्रकार काफ़ी थाट के अंतर्गत आते हैं। इस राग की जाति औड़व शाड़व है, और कुछ विद्वान इसको शाड़व शाड़व मानते हैं। जो बात मैंने आपको अभी कही इस इन चार पंक्तियों के आधार पर, उस बात से लेकर ये दोनों जो मत आते हैं कि औड़व शाड़व और शाड़व शाड़व ये कैसे हैं। औड़व शाड़व की जहाँ तक हम बात करते हैं जाति की, तो औड़व शाड़व में गंधार और धैवत का पूर्णतः जो है वर्जित जो है वो माना जाता है आरोह में, और अवरोह में जो है उसको धैवत को लिया जाता है। लेकिन जब हम शाड़व
शाड़व की बात करते हैं तो गांधार तो वर्जित है ही, गांधार जो है आरोह अवरोह दोनों में वर्जित है, लेकिन धैवत जो है उसका प्रयोग आरोहात्मक रूप में किया जाता है। अवरोह में तो जिस प्रकार से लिया जाता है दोनों में समान है, लेकिन आरोहात्मक रूप में जो है धैवत का प्रयोग है। तो इस तरीके से इसकी जो जाति है वो शाड़व शाड़व मानी गई है। थोड़ा हम जब इसका प्रैक्टिकल रूप में जब हम इसको आपको बताएंगे तो वो चीज़ आपको और अधिक रूप से अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। इसका जो वादी स्वर है वो ऋषभ है। वैसे भी जैसे मैंने पहले कहा कि सारंग अंग के जो राग उसमें ऋषभ जो है वो बहुत प्रधान है, ऋषभ की प्रधानता या बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऋषभ जो है वो एक अलग तरीके से चमकता है या राग को जो है एक अलग स्वरूप जो है विशिष्ट स्वरूप जिसे कहा जाए वो प्रदान करता है। वैसे भी सारंग अंग जो है उसमें ऋषभ की का महत्व बहुत है, क्योंकि सारंग अंग तभी पूरा होता है जब ऋषभ उसमें हो, और ऋषभ में आपने देखा मध्यम का कर्ण भी लगता है। ये सब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। तो ऋषभ स्वर जो है वो बहुत ही महत्व का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसे कहा जाए, और इसीलिए उसको वादी स्वर कहा गया है। वादी स्वर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वह प्रमुख स्वर जो कि राग में बहुत अधिक महत्व रखता है, राग में बार बार चमकता है, राग में बहुत अधिक प्रयोग होता है, और जिस पर आकर जो एक राग का जो एक अपनी एक जो उसका इसकी पर्सनैलिटी है वो वादी स्वर पे जो है वो बहुत निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त जो है संवादी स्वर जो है इसका पंचम है, जिस पर न्यास भी किया जाता है, और पंचम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचम अपने आप में ऋषभ का संवाद तो कर रहा है लेकिन अपने आप में एक न्यास का स्वर भी है। अपने आप में इस पर बार बार जब ठहराव होता है तो इसके इस राग के पूर्वांग और उत्तरांग दोनों जो हैं उसमें एक बैलेंस जो है वो बनता है। तो पंचम जो है बेहद ही महत्वपूर्ण राग है। कुछ विद्वान इस राग को शुद्ध सारंग न कहकर इसको कल्याणी सारंग भी कहते हैं। उनका कहना है कि कल्याण राग में जिस प्रकार से तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है उसका इम्पोर्टेंस है, या मधप का संवाद होता है, या पंचम और के बाद ऋषभ पर आना जो है ये कहीं कहीं इस राग में भी प्रयोग होता है। तो क्योंकि तीव्र मध्यम भी इसमें बखूबी प्रयोग होता है, मधप की संगति भी बार बार ली जाती है, तो इस हिसाब से इसको ये कल्याणी सारंग कहना जो है वो उचित मानते हैं, ऐसा एक मत है। देखिए जब हम किसी राग को समझते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उस राग के बारे में पहले जो अलग अलग मत दिए गए हैं उनको भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि और क्यों कहा गया है किसी भी चीज़ को यदि विद्वानों ने कहा है तो ऐसे ही कोई बात नहीं कही गई, उसके पीछे वो अपना एक रीज़न देते हैं, कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जब हम एक संगीत के विद्यार्थी होने के नाते किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं या किसी चीज़ को सीखते हैं तो महज सीखना या उसको पढ़ना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसको समझना और उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करना, ऐसा क्यों है, यदि ऐसा कहा गया है तो उसका क्या कारण है, ये भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी जाति की बात की तो औड़व 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 शाड़व और शाड़व शाड़व ये क्यों कहा गया है, ये आपको जब आप उसको गाएंगे प्रयोग करेंगे उसके बाद उसको आप खुद को टेस्ट कीजिए कि यहाँ यदि इसको कल्याणी सारंग बोल रहे थे क्यों, कल्याण कहाँ पे दिख रहा है, कोई तो कारण होगा। और सारंग की बात है तो सारंग का अंग तो इसमें आएगा ही आएगा, सारंग जो है उसमें उसकी छवि रहेगी तभी तो वो सारंग का प्रकार कहलाया जाएगा या सारंग अंग उसमें सारंग रागांग के अंतर्गत वह आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा पहले हम इसके आरोहों की बात करते हैं, इसके चलन की बात करते हैं, उसके बाद हम अन्य चीज़ें भी इसके बारे में आपको बताएंगे। आ, 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 आ,
जब भी कोई राग आरंभ करे सा को अच्छे से लगाए, क्योंकि सा की स्थापना जो है वो आगे की आपकी जो यात्रा है उसको सुगम भी बनाने वाली है और मजबूत भी बनाने वाली है। अब ये राग क्योंकि निषाद से शुरू करेंगे, ऋषभ कितना प्रोमिनेंट शुरू से उसने बता दिया और ऋषभ में मध्यम का कर्ण लग रहा है, नि स रे म रे रे नि सा, सारंग का जो अंग है यहाँ पर बखूबी आया, प नि स रे 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 म मारे सा पहने सा पहने सारे रे मारे मारे सारे रे रे मारे सा। जब तक हम इस प्रकार का ये स्वरगुच्छों का हम प्रयोग कर रहे हैं गा रहे हैं तो कहीं पर एक डाउट पैदा होता है कि ये क्या वृंदावनी सारंग गा रहे हैं या सारंग का कोई दूसरा जो है कोई प्रकार गा रहे हैं। देखिए ये स्वाभाविक है, देव इतने पोषण को गाते हैं तो नि सा रे रे वृंदावनी सारंग में भी है, रे मारे सारंग अंग नि स रे मारे मारे नि रे नि सारंग अंग। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम रागांग के अंतर्गत राग की बात कर रहे हैं तो हमें ये रागांग कहाँ पर आ रहा है। देख इस राग में तो ये शुरू में ही आ गया। अब जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रही थी वो था कि इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, यानी शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। तो कैसे प्रयोग होता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चढ़ी हुई जो मध्यम है या कोई भी स्वर का चढ़ावा रूप है वो आरोह में प्रयोग होगा। नि स रे रे मा रे रे मा मध्यम आ गया आरोहात्मक, नि स रे मा मा पा पा मा रे रे मा पा मा रे मारे सा। तो जो तीव्र मध्यम है वो इस राग को सारंग की अन्य प्रकारों से अलग करता है, लेकिन वापस जो सारंग में आएंगे तो रे मारे मारे आगे वापस सारंग पे मारे ने सा पहने सारे ने सारे रे मारे मारे। ये जो फ्रेज आता है ये शुद्ध सारंग की अपनी एक विशिष्टता है जो उसको खास बनाता है, जो उसको अलग करता है, वृंदावनी सारंग से अलग करता है, अन्य सारंग के प्रकारों से अलग करता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं, रे मा पा द मा पा धैवत लगाते ही अलग हो गया, नि स रे रे मा रे मा पा दमा पा मारे अपने आप ही शुद्ध सारंग बोल उठा, रे मारे ने सा प
मध्यम तीव्र इतना खूबसूरत लगता है, अलग तरीके से ये चमकता है। जैसे कि मैं हमेशा कह रही, तानपुरे की तारें बहुत सेंसिटिव होती हैं। तानपुरे को जब हम रोज मिलाएंगे तो तानपुरा जो है उसकी तारों को मिलाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइट का, एयर कंडीशन का, मौसम का, मॉइस्चर का, ये सब इन इंस्ट्रूमेंट्स पे इसका असर होता है। इसीलिए जब हम गाते हैं और गाने के साथ साथ जब हम तानपुरा प्ले करते हैं तो तानपुरा छेड़ते वक्त जो है तारों का अंदाज हो जाता है कि सुर का अंदाज हो जाता है। तो धीरे धीरे मैं आपसे यही मेरी एक गुजारिश है कि आप तानपुरे को मिलाकर गाना गाने का रियाज कीजिए। सुरपेटी तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक सुरों को खुद न मिलाया जाए तो वो कमांड जो है वो नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आता। तो हम बात कर रहे थे तीव्र मध्यम की और शुद्ध मध्यम की, दोनों मध्यम इस राग में प्रयोग होते हैं। नि सर रे मा पा मा रे रे मा पा दा मा पा मा रे सा पा नि सर रे नि सर रे मा मा रे। हालांकि किसी भी स्वर के दो स्वरूप इकट्ठे प्रयोग नहीं होने चाहिए, ये भी एक शास्त्रीय संगीत का नियम है। केवल ललित एक ऐसा राग है जिसमें कि दोनों मध्यम एक के बाद एक प्रयोग होते हैं, लेकिन कभी कभी खूबसूरती के लिए उसको एक अलग वैरायटी, एक कि बिल्कुल आलाप का मजा लेते हुए उसको एक अलग स्वरूप प्रदान के लिए करने के लिए दोनों मध्यमों का प्रयोग एक खूबसूरत तरीके से आलाप के फॉर्म में जब हम लेते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जैसे वृंदावनी सारंग में भी या किसी अन्य राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है, तो वो भी इस प्रकार से कभी कभी ले तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। रे मा पा दा मा पा मा रे मा रे नि सा पा नि सा रे नि सा रे मा पा दा मा पा। आप देखिए सवाल और जवाब, पनि सारे नि सारे रे मा पा दा मा पा रे मा पनि सानि न पा धा मा पा मा रे रे मा पा दा मा पा मा रे नि सा। आप देखिए कि आरोह और अवरोह दोनों में किस प्रकार से अलग अलग तरीके से स्वरों का प्रयोग है। निषाद जो है इसमें शुद्ध प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ मतानुसार, कुछ कुछ विद्वानों के द्वारा, या मैं कहूँ कुछ कुछ परंपराओं में, कुछ कुछ घरानों में कोमल निषाद का भी प्रयोग अवरोहात्मक रूप से किया जाता है। जो आज के समय में जो चीज़ ज़्यादा प्रचलित है, जो अधिकतर रूप से गाई बजाई जाती है, वो शुद्ध निषाद के साथ ही गाई बजाई जाती है। क्योंकि कहीं पर कोमल निषाद का प्रयोग होने से हमें वृंदावनी का आभास होने लगता है। तो हालांकि धैवत का प्रयोग जो हम करते हैं तो अपने आप में वृंदावनी सारंग से अलग कर देता है या अन्य प्रकारों से अलग कर देता है इस राग को। तो फिर भी हमें, जब हम सीख रहे हैं, जब हम उसको जानना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस स्वर का प्रयोग कितना करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी स्वर को अधिक प्रयोग करें, अधिक उस पर न्यास करें तो राग हानि हो जाए या राग जो है कहीं और किसी और दिशा की ओर चल पड़े। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें इसको गाना है।
ये इसका आरोह हुआ, सा नी द प द म प म रे, रे म प द म प म रे सा। गांधार तो आरोह अवरोह दोनों में वर्ज है, लेकिन धैवत को कुछ लोग आरोहात्मक रूप में कभी कभी लेते हैं, तब वो जाति को कहते हैं शाड़व शाड़व। कैसे? पनी द सा नि रे सा रे मा प, पनी द सा नि रे सा। तो इस प्रकार से जो शाड़व जाति या शाड़व शाड़व जाति जो मानते हैं जो विद्वान लोग, वो इसको धैवत को इस प्रकार से पनी द सा नि रे सा, इस प्रकार से धैवत का इस स्वर समुदाय में प्रयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप लोगों को एक कंफ्यूजन जो हो जाता है कई बार पुस्तकों को पढ़ने से, या हमने किसी कलाकार को सुना और उन्होंने किस मत से या उनके उनकी शिक्षा जिस प्रकार से हुई है, वो जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने उसी हिसाब से उसको परफॉर्म किया। लेकिन आप कहीं ये कन्फ्यूजन आपको है कि इन्होंने धैवत कारों में कैसे प्रयोग किया जबकि ये औड़व शाड़व है, तो यहाँ मैंने आपको ये एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया कि पनी द सा नि रे सा, इस प्रकार भी राग का प्रयोग किया जाता है और धैवत का प्रयोग विशेष तौर पर जो इसको शाड़व जाति का बनाते हैं। तो जब इस तरह से आप राग के स्वरूप को समझ लेंगे तो आपको राग गाना बहुत आसान हो जाएगा। एक बंदिश प्रस्तुत करते हैं। अब मोरे बात, अब मोरे बात, मान ले प्यारवा, मान ले प्यारवा, जाऊँ तो पे बारी 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 बारी, अब मोरे बात, अब मोरे बात, निदसा निरसा, अब मोरे बात। जो शाड़व की बात कर रहे थे इस राग में, इस बंदिश में स्पष्ट रूप से लिखता है बात, मान ले बारी बारी, अब मोरे बात, अब मोरे बात, अब मोरे बात, मान ले। तीव्र मध्यम अलग चमक रहा है। अब मोरे बात, सारंग का अंग मान ले, मान ले, अब मोरे बात, बात, अब मोरे बात, अब
अब मोरे बात मन अब मोरे बात मन अब मोरे बात मन अब मोरे बात मन अब मोरे बात। अधिकतर विद्यार्थी ये पूछते हैं कि जो इस प्रकार की जो वेरिएशंस जो हम बंदिश में लेकर आते हैं वो वेरिएशन कैसे बनाई जाती है। देखिए वही स्वर गुच्छ हैं, वही स्वर स्वरों का समुदाय है, उसको हम स्वरों में गाएंगे और फिर उसको आकार में कीजिए और फिर उसमें शब्दों को पिरोना सीखिए। कैसे? रे मा प म रे नि सा ब मो रे ब आ ब मो बात मन अब मो रे मा म प द म प म रे अब मो रे ब आ ब मो बात मन। कहती हूँ कि जिसमें बड़ी मात्राएं हैं या वोवल साउंड जिसके साथ हो उन शब्दों को बढ़ेंगे तो बहुत सहज रूप से आप बोल अलाप कर पाएंगे। बात मन बात मन बात मन अब मोरे बात रे रे म प रे म प द म प रे म रे रे म प नि द प द म प रे म रे रे म प नि सा नि द प द म प म रे नि सा अब मोरे बात मन अब मोरे नि सा रे म प म रे नि सा अब मोरे बात मन अब ताल का ध्यान रखिएगा कि ताल में बंदिश कहाँ से शुरू हो रही है। जब तक हम इस प्रकार के का अभ्यास नहीं करेंगे, आप अकेले आराम से बैठ के उसको कांता के साथ अभ्यास कीजिए, आपको ये सब चीज़ें धीरे 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 आएंगी। और देखिए हर चीज़ के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास करेंगे तो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, लेकिन धीरे जब वो समझ में आएंगी तो आप उन गलतियों को कम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुद्ध सारंग का क्या स्वरूप है, कैसे स्वर संगतियाँ हैं, कैसे उसको अलग किया जाता है रागों से, इसी को हम इसके अगले भाग में भी आपको और उदाहरणों के साथ आपको बताएंगे।